आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिले के महामाया चौक में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के आरोप पर FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और NSUI के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज बिलासपुर के महानगर चौक में NSUI के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान NSUI और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बिलासपुर विधानसभा अध्यक्ष विकास सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर षड्यंत्र कर FIR कराया गया है। भूपेश बघेल द्वारा उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के साथ सीमित लोगों के समक्ष कांग्रेस के पक्ष में वोट करने हेतु सभा किया गया, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि सरासर निंदनीय है। जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हजारों लोगों के साथ सभाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी थाने में कोई आवेदन तक नहीं लिया जा रहा है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार में गए हुए हैं और पूरे कोरोना को देखते हुए, भूपेश बघेल जी गाइडलाइन को देखते हुए वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ये बात शायद यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर FIR दर्ज करा दिया है, जिसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ में NSUI योगी जी का पुतला जला रही है। ये उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगा है, अभी कोई भी कार्रवाई करेगा तो चुनाव आयोग करेगा, योगी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग करेगा तो अगर भाजपा के ऊपर भी चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? अभी दमोह जिले के कोई एक विधायक है जो 400-500 लोगों के साथ रैली निकाले थे, उनके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नाम बताओ। विकास सिंह ठाकुर, बिलासपुर विधानसभा अध्यक्ष NSUI। उत्तर प्रदेश जाने से पहले उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, ये दिखा रहे पूरे तरीके से कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार खिसकने वाली है। इसलिए उन्होंने डर के कारण सिर्फ भूपेश बघेल जी के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज कराया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ योगी आदित्यनाथ का पुतला जला रहे हैं। बिलासपुर में भी जो कोरोना फैला हुआ गाइडलाइन आप लोग पालन करो पूरा जी, आप जितने भी लोग यहाँ खड़े आप देख लीजिए, सबके मुंह मास्क लगा हुआ है, सारे लोगों ने सैनिटाइजर का उपयोग भी किया हुआ है, और जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस वक्त मास्क को नीचे किया हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।